डोल ग्यारस पर नगर में माहौल धर्ममय था। विभिन्न समाजों द्वारा निकाले जाने वाले डोल अखाड़े और नैनाभिराम झांकियों के कारवा को श्रद्धालु निहारते रहे। बेटमा में निकलने वाले डोल को देखने के लिए नगर सहित आसपास के गांव से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बेटमा पहुंचे थे। शाम होते ही बेटमा की सड़कें दूधिया रोशनी से प्रकाशित हो जाती है। नगर में इस बार झांकियां कम और डीजे ज्यादा दिखाई दिए। स्वागत में लगे मंचों की तेज आवाज उनके ही मंच तक सीमित थी। कुशवा समाज की झांकी में पंडित प्रदीप मिश्रा को शिव महापुराण कथा सुनाते व भगवान शंकर का जलाभिषेक करते हुए दिखाया गया था। बेटमा नगर परिषद की झांकी में भगवान शंकर द्वारा गणेश जी के द्वारपाल बनने व उनके द्वारा अंदर प्रवेश नहीं करने पर सर को अलग एवं उनके स्थान पर गज का मुख लगाने का दृश्य दर्शाया गया था। जबकि राजवाड़ा नव युवक मित्र मंडल शिव तांडव का रूप दिखाया तो कुमरावत तंबोली समाज की झांकी में भगवान कृष्ण भक्तों को झूला झुलाते हुए दिखाया गया। बेटमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। ग्यारस का पर्व था जिसमें डोला निकाला जाता है, झांकियां निकाली जाती हैं, अखाड़े निकाले हैं। लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, अच्छी खासी संख्या थी जिसमें पर्याप्त पुलिस व्यवस्था लगाई गई थी, रास्तों को डाइवर्ट किया गया था, कार्यक्रम सफल रहा। अभी बस खत्म हो गया, समापन हो गया है और सभी को बधाई जनता ने। पर जय कृष्ण कन्हैया लाल की। जब हमारे भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था और 21 दिन के बाद जब उनको पहला झूला दिया गया था, तभी से सनातन धर्म में ढोल ग्यारस का पर्व मनाते आ रहे हैं और सनातन धर्म की ये परंपरा है। आज बेटमा में भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने आपस में मिलजुल कर एक सौंदर्य वातावरण के बीच में बड़े हर्ष उल्लास के साथ ढोल ग्यारस का पर्व मनाया। मैं सभी बेटमा वासियों को, देशवासियों को, देपालपुर विधानसभा के सभी निवासियों को ढोल ग्यारस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। जय श्री महाकाल। आज बेटमा नगर में ढोल ग्यारस का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें यहाँ पे आकर्षण झांकियाँ और ढोल और प्लस अखाड़ों का यहाँ पे निकलना हो रहा है, जिसमें सभी बेटमा की धर्म प्रेमी जनता ने खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन रहा कि आज बेटमा का टिकट भी घोषित हो गया है, जिसमें माननीय मनोज जी पटेल को बेटमा देपालपुर तहसील का टिकट मिल गया है। जय हिंद, जय भारत। सभी को बधाई, शुभकामनाएं। सभी को ढोल ग्यारस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और बेटमा की यह ढोल ग्यारस की परंपरा जो लगातार चली आ रही है, इसमें सभी भक्तगण का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी को बहुत बहुत बधाई। और जो आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, नेपालपुर से पुनः प्रत्याशी बनाया है, मैं भारतीय जनता पार्टी संगठन का तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।